बोल रहे थे कल उसको फिर सरपंच थाने में भी लेके गया वहाँ चौकी में। हमने और कौन है पर पंच है और कोई और तो मेंबर सारे आ रहे चार के अंदर क्या लुगाई पर पकड़ के खींचा थी और इसका लात मार के ना कत घेर ले के नाम नमस्कार दोस्तों, हांसी की आवाज से मैं राजीव बंसल, मैं सामान्य हॉस्पिटल में खड़ा हूँ और यहाँ कुलाना गांव के कुछ दलित समाज के लोग आए हुए हैं। उनकी क्या मांग है आज ये जानते हैं। बार बार ये नारेबाजी कर रहे हैं कि सरपंच ने हमारे दलित पंच के साथ मारपीट की और उसे बद्दी बद्दी गालियां देकर उसे पंचायत से निकाल दिया, धक्के मार के निकाल दिया और जीप में घेर कर उसे थाना ले आए। पंच सुरेंद्र जो है सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है और इनका क्या कहना है। पुलाना गांव के कुछ महिला पंच भी आई हैं, कुछ पुरुष पंच भी आए हैं, तो आइए इनसे ही जानते हैं कि मामला क्या है। बहन जी आपका नाम बताएं, कौन से गांव के पंच हो आप? मैं पुलाना गांव की जी कमलेश कुमारी नाम है जी मेरा। हाँ विस्तार से बताइएगा क्या घटनाक्रम हुआ। राम से हाँ बताओ जी। चमारा करनाइया करोड़ा माजरा था जी, हाँ जी। उनका फैसला होना था जी कल, फैसला में गए थे जी। फैसला में ओड़े सचिवालय में गए जी, ओड़े भी तूमा होगी जी, दोनों आके उनके अफसरी में ओड़े उन बाहर काट दी जी। इसने सरपंच ने जी मोदी गैंग का नाम लिया नहीं जी, बाहर काट दिए, बाहर काट दिया तो बाहर ना आ गए जी। ओड़ा फैसला होया कौन जी, फिर हाँसी आए जी, हाँसी तो फिर ब्याणा दौर गए जी, ओड़े भी कुछ कौन आए जी, आके घर आ गए जी। फिर घर तक नहीं जी, सरपंच का फोन आया। सरपंच का नाम बताइए। मांगे राम सरस्वती। किसको पीटा उसने? सुरेंद्र को जी। सुरेंद्र क्या है? पंच है जी। पंच है। हाँ जी हाँ जी। घराला है जी। मेरा घराला जी, पंच तो वैसे मैं हूँ जी। हाँ आपका गांव कौन सा? कुलाना जी। कुलाना से। कुलाना की घटना है ये? हाँ जी कुलाना गांव की घटना है जी। अच्छा अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है जी हमने सस्पेंड करवाना है सरपंच, हमने जरूरत कौनी जी सरपंच की, जो गरीब के खिलाफ ना आनी जी हमने इसकी जरूरत कौनी सरपंच की, और सरपंच हमने चाहिए कौनी जी। गरीब की लड़कियां ने जी तक है यो, बहु बेटिया ने भी तक है जी। सरपंच नु कहो है जी मैं सरपंच बनया हूं नी, मैं गांव की बहु बेटिया खातर बनया हूं, मजे लेने मजे लेने खातर बनया हूं मैं। गांव की 5 साल मैं खूब मजे लेऊंगा दी बेटिया के, और मैंने कुछ को नहीं चाहिए, खूब गुंडागर्दी करूंगा, खूब मार पिटाई करूंगा। सारे काम करे कॉलोनी में बैठे रहो, दो तीन तीन बजे तक कॉलोनी में बैठा रहो जी, दो तीन घर से आज और बैठा रहो उनका उनसे बात करे जी। कितने पंच और आए हुए आज आपके साथ? 3 और आ रहे होंगे जी। क्या क्या नाम है उनके? रमेश जी, प्रवीण है, और एक मोहम्मद आ रहे हैं। मोहम्मद है। हाँ 3 पंच और आ रहे हैं जी। एक या खुद है? एक में खुद होगी जी, 4 हो गए जी। हम जानते हैं कि श्याम ने जी डिस्कट करण और गए थे जी, रमेश माठू के घर में गए थे। हाँ जी और उड़े तड़ाव तुड़ के आने लग रहे थे जी, आंधे समय उसने नहीं पाछे का हमला करा जी, मोदी गैंग ने जी रास्ते में चौक का मैं हमला करा उस पे। अब सरपंच से मामला दर्ज हुआ है या नहीं हुआ? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, खुद सरपंच मारनिया पिटनिया, खुद सरपंच चौकी में ले जानिया, गाड़ी में भी मारे जी सना, कोई कार्रवाई कौन करने लग रही जी, पुलिस चौकी वाले करने लग रही। मेरे साथ कुलदीप भोकल है दलित समाज के नेता, इनसे जानते हैं कि क्या मामले की पेचीदगी है और कुलाना गांव में घटनाक्रम क्या हुआ है, क्या आपकी मांग नक्सल में बताइए। कुलाना गांव का जो सरपंच है मांगेराम वर्मा, हमारा एक दलित समाज का पंच है और वो गलत रेजुलेशन पास करता है और गलत रेजुलेशनों पे साइन का जो बार बार दबाव बना रहा था, और रात को कल रात को उन्होंने कहीं सचिवालय में उनको बुलाया, वो चले भी गए, और सचिवालय से पहले तो एक सार्वजनिक स्थान से उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया, वो एट्रोसिटी है। दूसरी बात सरपंच की जो पूरी गैंग है, सरपंच उसमें शामिल है, उन्होंने उनको गांव के चौक पे उनको पिटा, विंडो से राडों से उनको पिटा। घटनाक्रम बताइए। हमारे सरपंच जो साथी सुरेंद्र हैं उनको पिटा गया। सरपंच नहीं पंच हमारे पंच जो साथी हैं सुरेंद्र, उनको सरपंच ने और उनकी गैंग ने पिटा, और उन्हीं की गाड़ी में उनको पिटते हुए पाटड़ा चौकी के अंदर लेके गए।
बड़े दुख की बात तो ये है कि बाटला की चौकी के अंदर पुलिस वालों के सामने भी मतलब हमारे दलित समाज के एक पंच को पीटने का काम किया। जब से ही देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश और हरियाणा के अंदर दलितों के साथ अत्याचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है, जो कुलाना के सरपंच हैं उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और अभी तक इसमें SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जब से हमारा माता सावित्री बाई फुले संगठन जब यहाँ आया है, इन पीड़ितों की बात उन्होंने सुनी है, तब से CID के माध्यम से प्रशासन एक्टिव हुआ है और प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हम FIR दर्ज कर रहे हैं। आज की डेट में हमने SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज चाहिए, 6 के 6 7 के साथ जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी चाहिए और सरपंच सस्पेंड चाहिए। नहीं तो आने वाले जो मुख्यमंत्री आसी के अंदर आ रहे हैं, हम उनका है ना काले झंडों के साथ विरोध करना भी जानते हैं, ये प्रशासन को हम बताना चाहते हैं। मित्रों, अभी कमलेश पंच ने सारी घटनाक्रम बताई और कुलदीप ने भी जो भुक्कल है उन्होंने सारे घटनाक्रम बताया और ये यहीं डेरा डाले हुए हैं सिविल हॉस्पिटल रखेंगे, इतना नहीं मारा न्याय होगा। और अब ये देखिए पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पंचायत मुर्दाबाद, परिवार को न्याय दो, परिवार को न्याय दो, दोषियों को गिरफ्तार करो, असी पुलिस मुर्दाबाद, सरपंच के विरुद्ध ये दलित समाज एक मुश्त होकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। और उन्होंने कहा कि सरपंच ने एक दलित समाज के पंच के ऊपर एट्रोसिटीज की हैं, महिलाओं ने पंच ने भी बहुत संगीन आरोप लगाए हैं कि मेरे सामने कमलेश पंच है, इन्होंने बड़े संगीन आरोप लगाए हैं सरपंच पर। और ये मांग कर रहे हैं कि सरपंच के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हो और उसके खिलाफ ऐसा मामला दर्ज हो कि वो दोबारा महिलाओं के साथ या किसी अन्य दलित समाज के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना करे। फिलहाल पूरा कुलाना गांव की यानी कि लोग यहां बैठे हैं, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में बैठी हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से एक रिपोर्ट के साथ कुलाना गांव।